हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ 2020 में आने वाली हुंडई क्रेटा के बारे में। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 2020 में आने वाली हुंडई क्रेटा कैसी दिखने वाली है, क्या ये बिल्कुल चाइना में जो लॉन्च हो चुकी है ठीक उसी तरह दिखेगी, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऑटो एक्सपो में किस दिन ये कार शोकेस की जाएगी, कौन इसको अनवील करेगा, और साथ ही इंडिया में कब ये लॉन्च होगी, कब से यानी ये शोरूम या रोड पे नजर आने लगेगी, सारी चीजों पे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कार के लुक के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चाइना में ऑलरेडी ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है जो 2020 हुंडई क्रेटा है। इंडिया में जब ये टेस्टिंग के दौरान थी तो ऐसा पाया गया है कि लगभग ये जो चाइना में आपको ये जो मॉडल मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसी ही इंडिया में भी आने वाली है। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें जरूर किए जाएंगे। जो मेजर हमें सुनने में आ रहा है कि इसकी फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा चेंज होगा, एलॉय व्हील में थोड़ा सा चेंज होगा, और जो थोड़े थोड़े माइनर ट्विक्स किए जाएंगे जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से होगा। लेकिन जैसे आप इसका फ्रंट लुक देख रहे हैं कि इसमें एक डिफरेंट ही स्टाइल में आपको एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, इसमें आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलेगी जिसमें लो बीम हाई बीम अलग होगा, और साथ ही इसके फॉग लैम्प की जो प्लेसिंग है वो नीचे की तरफ होगी, और जो इसमें स्किड प्लेट यूज की जाएगी उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी मस्कुलर की गई है ताकि इसको थोड़ा सा बोल्ड लुक मिल सके। साइड से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा आपको अंतर इसमें नहीं समझ में आएगा। जो पुरानी हुंडई क्रेटा आती थी ठीक उससे ही थोड़ा बहुत मिलती जुलती दिखेगी, थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत लाइनिंग्स में चेंज हुए हैं। पीछे से ज़रूर अगर हम बात करें तो इस कार का जब आप बैक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अंतर नज़र आएगा, एक डिफरेंट ही लुक नज़र आएगा, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये कुछ लोगों को पसंद ना भी आए और कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट लुक होने वाला है। इसमें भी आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, साथ ही इसमें आपको इंडिकेटर और बैकलाइट, और साथ ही नीचे की तरफ आपको बड़े रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, और जैसा कि मैंने बोला आगे की तरह ठीक पीछे भी स्किड प्लेट आपको थोड़ी हैवी मिलने वाली है। वहीं अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो जो इंडिया में आएगा, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इंटीरियर ये चाइना का है, लेकिन इंडिया में जब ये आएगा तो इसमें ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है कि ये पूरी तरह से ब्लैक होगा। आपको ये बड़ी टच स्क्रीन दिख रही है जैसे MG हेक्टर में मिलती है, ठीक उसी तरह की आपको ये 10.25 की टच स्क्रीन मिलेगी, और थोड़ा सा आपको इस बार केबिन जो है वो थोड़ा सा लग्जीरियस दिखेगा, थोड़ा अप मार्केट दिखेगा, और इसके अलावा जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो पूरी तरह डिजिटल होगा। एक तरह से कहें इस कार को पूरा एक नया लुक अंदर से तो एटलीस्ट आपको पूरी तरह नई दिखेगी, और फ्रंट बैक से भी ये कार आपको पूरी तरह से नई दिखेगी। वहीं हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये सेम किया सेल्टॉस के प्लेटफॉर्म पे आएगी, जिसके कारण इसकी लंबाई और चौड़ाई पुरानी क्रेटा की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी और चौड़ी हो जाएगी, लेकिन हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी जैसे ठीक किया सेल्टॉस आती है। वहीं अगर हम इंजन्स की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि वही तीनों इंजन जो किया सेल्टॉस में आता है ठीक वही इंजन आपको हुंडई क्रेटा 2020 में भी मिलेगा, यानी आपको 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, और साथ ही 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, और ये तीनों इंजन आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा नया हुंडई क्रेटा 2020 में आने वाला है। लुक तो आपने देख ही लिया, फीचर्स में जो हमें अपडेट मिल रहा है कि किया सेल्टॉस से भी ज़्यादा कुछ फीचर इसमें मिलने वाले हैं, जैसे कि इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा जो कि किया सेल्टॉस में नहीं आता, और ये एक एड ऑन फीचर होगा। इसके अलावा जो पुरानी क्रेटा से नई क्रेटा में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें आपको कनेक्टेड कार फीचर मिलेगा जैसे आपको हुंडई वेन्यू में मिलता है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, और वैसे तो क्रेटा में बहुत सारे फीचर लोडेड ऑलरेडी आती थी, जैसे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलती थी, हीटेड सीट मिलती थी, इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते थे, तो ये सारी चीज़ आपको नई 2020 क्रेटा में मिलेगी, और साथ ही जो मैंने आपको एडिशनल फीचर्स बोले हैं वो आपको इसके साथ मिलेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो आपको बता दें कि किया सेल्टॉस की जो लॉन्च की प्राइस थी ठीक उसी तरह इसको भी स्टार्टिंग में वही लॉन्च प्राइस में रखा जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 10 से लेकर 16 लाख के बीच एक शोरूम प्राइस में ये कार लॉन्च होगी।
जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि ऑटो एक्सपो शुरू हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, और इसको अनवील करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, और वहां पे ये कार आपको देखने को मिल जाएगी कि किस तरह की जो इंडियन मॉडल इसका है उसमें लुक में क्या कुछ अलग होगा और कैसी वो फाइनली दिखने वाली है। वहीं अगर हम लॉन्च की बात करें तो हुंडई ने कंफर्म किया है कि मार्च के मिड में, यानी आपको लगभग 15 मार्च के करीब ये कार लॉन्च कर दी जाएगी और शोरूम में आपको नजर आने लगेगी। बुकिंग्स की बात करें तो जरूर ऑटो एक्सपो में शोकेस के बाद ये फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में इसकी बुकिंग्स ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, जिन लोगों को हुंडई क्रेटा 2020 का इंतजार है उनका सब्र मैं समझता हूँ कि फरवरी के एंड में जरूर खत्म होने वाला है। ये जो हुंडई क्रेटा का नया डिजाइन है ये काफी डिफरेंट है मेरे हिसाब से, और इंडिया में अभी हाल फिलहाल में ऐसा डिजाइन कोई कार नहीं यूज कर रही है। थोड़ा सा एक ट्रेंड टाटा हैरियर ने शुरू किया था, फिर एमजी हेक्टर ने, कि ऊपर एलईडी डीआरएल्स आ रहे तो नीचे हेडलैम्प थी, लेकिन ये एंटायरली डिफरेंट डिजाइन है। आपको कैसी लगी ये डिजाइन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे।